नमस्कार दोस्तों, रिव्यू करेंगे इस वीडियो में बिजलो 10 एमजी टेबलेट के बारे में कि भाई क्या है, किस तरह से काम करती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम में ये चलाई जाती है, साइड इफेक्ट क्या करती है, इसकी डोज ले कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, क्या आदत पड़ती है या नहीं पड़ती, तो जानेंगे सभी बातों के बारे में। सो देखते रहिए दोस्तों। बिजलो एक ब्रांड नेम है, 10 मिलीग्राम में इसके अंदर है बेक्लोफेन। बेक्लोफेन एक मसल रिलैक्सेंट सॉल्ट है जो बहुत सारी डिजीज में दिया जाता है। देखिए बहुत सारी कंपनी बनाती है, जैसे कि बिजलो है, टोरेंट कंपनी का है, लायोफेन आती है सनफार्मा कंपनी की, और भी दोस्तों बहुत आती है, कोई ना कोई आपको नज़दीकी केमिस्ट स्टोर पर या ऑनलाइन मिल जाए। पहले समझते हैं बेक्लोफेन क्या। दोस्तों बेक्लोफेन एक पेन किलर सॉल्ट है, मसल्स रिलैक्सेशन सॉल्ट है। जब मसल्स के अंदर अकड़न हो जाती है, जकड़न हो जाती है, तो वहाँ पर ये उनको रिलैक्स करने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। कई बार चोट लगने के कारण सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है पूरी बॉडी में, चाहे कोई भी बॉडी पार्ट हो, सभी पार्ट में ये काम करती है। ये सर ज़्यादातर दोस्तों जब रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आ जाता है, किसी ऑपरेशन के कारण बहुत दर्द रहता है, किसी एक्सीडेंट के कारण मस्तिष्क में चोट लग गई, तो वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। काम करने का तरीका अगर मोड ऑपरेशन की बात करें तो केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर ये आपको दर्द का एहसास कम करवाती है, जिससे कि आप जितना जल्दी मूवमेंट कर सके उतना जल्दी आपको आराम पहुंचता है। बात करें कुछ इसकी मेन डिजीज के बारे में जहां पर ये बहुत ज़्यादा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। पहली है सेरेब्रल पाल्सी। दोस्तों इस डिजीज में क्या होता है, इसमें मूवमेंट जो हाथ पांव का मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक उंगली को हिलाने के लिए भी। ये ज़्यादातर बच्चों में होती है जो व्हील चेयर के ऊपर रहते हैं। दूसरा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें दोस्तों जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपनी ही बॉडी पर हमला कर देता है। सबसे ज़्यादा ये हमला मस्तिष्क के अंदर जो नसें होती है वहाँ पर करता है, उनको ये खाने लग जाता है। तीसरा है दोस्तों मोटर न्यूरॉन डिजीज। इसके अंदर दोस्तों बॉडी का हर पार्ट धीरे धीरे खराब होने लगता है, लकवाग्रस्त होने लगता है। इसमें सबसे ज़्यादा रीढ़ की हड्डी और नसों पर हमला होता है। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग सर वो इस प्रॉब्लम से ग्रसित थे। डोज की बात करें कि इसकी डोज क्या होती है, तो इसकी डोज दिन में मैक्सिमम 2 ले सकते हैं, कभी कभार हो सकता है आपको 20 मिलीग्राम की 3 भी लेनी पड़ जाए, लेकिन ये कभी कभार होता है, वो डॉक्टर बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब करता है, आप अपने हिसाब से डोज मत बढ़ाइएगा। दोस्तों इसकी सावधानी यही है, आप प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर की सलाह के बिना यूज़ मत कीजिएगा, एल्को के साथ इसका यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई और डिजीज है एक बार डॉक्टर को बताइएगा, जो भी आपको टेबलेट चल रही है। सावधानी दोस्तों इसकी यही होती है, थोड़े और भी जैसे कि गाड़ी चलाते समय इसकी डोज नहीं लेनी चाहिए, नींद आने का या चक्कर आने का खतरा रहता है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो छाले हो सकते हैं, पेट में गर्मी, कॉन्स्टिपेशन, नींद ना आना, चक्कर आना, वोमिटिंग होना, ये साइड इफेक्ट है जो अलग अलग व्यक्ति में हो सकते हैं। इसके दोस्तों कुछ मेडिसिन के साथ सावधानी है, जैसे कि नीमू स्लाइड है, लिवाडोपा है, ये मेडिसिन जो साथ में नहीं चलती, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो संपूर्ण रिव्यू था, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं हो तो मिलते हैं अगले वीडियो।